लेटेस्ट अपडेट्स के लिए अल्ट्रा चैनल्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। ए, क्या है रे? भूख लगी है। पैसा है? चल चल फूट फूट यहाँ से। चले आते हैं भिखारी, क्या मिर्ची मांगे बाबू, ये ले। क्या हुआ बाबू? मेरे बटवा। अरे श्याम भाई, देखो तो कितना माल इसमें। अनवर, जो तकदीर में लिखा है वही मिलेगा, ज्यादा नहीं। हेलो अनवर, हाउ आर यू? हेलो रोजी बेबी, कैसा है मैन तुम? रोजी, एक डांस हो जाए? मेरा बाप देखता है। ए जॉन चाचा, वन डांस विद रोजी, ओके? ओके। चल मेरे साथ। छोड़ मुझे, डैडी। छोड़, सारा लफंगा लोग मेरी बेटी को हाथ लगाता है, जान से मार देगा। डैडी, डैडी की बच्ची। छोड़ दे मुझे। चल। छोड़ दे मुझे। नहीं। अनवर, अनवर बचाओ मुझे। श्याम भाई। छोड़ दे मुझे। एक आनी है। छोड़ दे लड़की को। अब योग हो चुकी औलाद, चुपचाप दारू पी, ज्यादा होशियारी दिखाई तो थोबरा तोड़ के रख दूंगा, समझा? मैंने कहा लड़की को छोड़ दो। शाबाश, आखिर मेरी ट्रेनिंग काम आई ना, हैं? चलें, चलो। हाँ आ गए, आइए आइए। क्या हुआ सुंदर भाई? अनवर, मैं तुम्हें कई बार कह चुका हूँ कि मेरा असली नाम मत लिया करो। मैं अब सुंदर नहीं, श्याम हूं। ओहो अल्लाह कसम, माफ करना यार, भूल हो गई। अच्छा ये तो बता, वहां हुआ क्या? जेल वालों ने मुझसे धोखा किया। रमेश कुमार को 10 दिन पहले ही जेल से छोड़ दिया गया था। वो हसनपुर नहीं गया, उसका एक वकील वहां गया और उसने मेरी माँ की सारी जायदाद 30 लाख में बेच डाली। मगर महारानी तेरी माँ थी, वो पैसा तो तेरा है। अनवर, मुझे पैसा नहीं बदला चाहिए, मेरी माँ के खून का बदला। मगर आज इतने सालों के बाद तुम उसे पहचानोगे कैसे? उसकी तो सूरत भी बदल गई होगी। सूरत बदल सकती है, मगर उसके हाथ तो नहीं बदल सकते हैं। हाथ? क्या मतलब? हाँ, उसके दाहिने हाथ के पीछे एक ऐसा दाग है जो मैं आज तक नहीं भूला। जहां वो हाथ दिखाई दिया, मेरा दुश्मन मेरे सामने होगा और फिर वो होगा और मेरे हाथ। लोग कहते हैं इंसान अपनी तकदीर अपने हाथों से बनाता है। कोई बताए क्या कसूर है इन हाथों का जो मैंने अपनी पत्नी खोई, बच्चे खोए, जेल काटी। हमारा जीवन एक भयानक सपना बनकर रह गया। यह सब किस्मत की बात है। नहीं भीमा, नहीं, यह किस्मत नहीं, हम सब की नादानी थी जो हम सब बलराम सिंह के हथकंडों का शिकार बने और जेल काटी। वो तो ठीक है रतन भैया, लेकिन अब करना क्या है? देखो दिलावर खान, भीमा, हम सब जेल में मिले थे और हम सब ने मिलकर एक ही वादा किया था कि जब हम जेल के बाहर होंगे तो सब एक ही साथ होंगे और हम सब का निशाना एक ही होगा, बलराम सिंह। रतन भैया, हम सब तुम्हारे साथ हैं, लेकिन बलराम सिंह के पास पैसा है, बेशुमार आदमी है, हथियार है, हमारे पास क्या है?
गुस्से और नफरत की आग जो भड़क कर ज्वालामुखी बन चुकी है। दोस्तों, इन हाथों से मैं अपनी तकदीर तो नहीं बना सका, लेकिन कसम है मुझे अपनी पत्नी और बच्चों की, आज के बाद इन हाथों का एक ही काम होगा, बदला बदला बदला। हाँ बेटा विक्रम, आज तक की रिपोर्ट। तेरी, आज ही हमें खबर मिली है कि रतन कुमार ने हसरतपुर का महल और सारी जायदाद 30 लाख में बेच डाली है। 30 लाख? जी, और वो यही कहीं बंबई में है, लेकिन कहां ये किसी को पता नहीं। शंकर, हर जगह तलाश जारी है, मगर लगता है वो अकेला नहीं है। ये लीजिए, ये वो लोग हैं जो कभी हमारे साथ थे, जेल से निकलने के बाद सब लापता है। मुझे इन सब की रिपोर्ट 8 दिन में चाहिए। दूसरी चीज, करीम शिद्दी का जहाज 50 लाख रुपए का सोना और बाकी सामान लेकर कल बंबई पहुंचेगा। करीम सिद्दी का सोना लेने से पहले परखना पड़ेगा, पिछली मतलब वजन में कुछ कम निकला था। आई नो। हाँ, ये होटल की ओपनिंग नाइट के लिए किसका शो रखा जाए? आजकल तो एक ही सिंगर बहुत मशहूर है और वो है टोनी। चलो मेरे साथ, इधर आओ, चलो कोने में, बहुत जरूरी बात करनी है। मंत्री, मुझे टिकट बड़ी मुश्किल से मिले हैं, संभाल के रखो। ओके सुनीता, ये टोनी का शो तुमने पहले कभी देखा है? नहीं, मैंने आज तक उसकी शक्ल भी नहीं देखी, और मैं यहाँ शो देखने नहीं आई हूँ, मैं यहाँ सिर्फ उसे देखने आई हूँ और तुम्हें दिखाने आई हूँ। मुझे दिखाने? क्यों? लेकिन मुझे टोनी से बहुत खतरनाक बदला लेना है। बदला? पहले तुम उसे अच्छी तरह से देख लो, बदला कब और कैसे लेना है वो मैं तुम्हें बाद में बताऊंगी। चलो। ये क्या चक्कर है दोस्त? मैं तो खुद हैरान हूं यार, ये लड़की है कौन? ये क्या कर रहा है? अरे वही जो अक्सर हिंदी फिल्मों में होता है, हीरो अपना भेष बदलकर हीरोइन से मिलने जाता है और वो सब पहचान भी नहीं। क्यों, क्या समझे? जवाब नहीं तेरा रवि, जवाब नहीं। स्टेज के लिए नकली नाम तो टोनी तूने पहले ही रखा हुआ था, कल नकली दाढ़ी और नकली बाल लगाकर तूने उस लड़की को अच्छा धोखा दिया। अब सच सच बता, क्या चक्कर था उस लड़की के साथ तेरा? मैं कसम खाता हूं यार, कल मैं उसे पहली बार मिला। फिर तू उसे देखकर चौंका क्यों? मैं कहां चौंका, अरे मेरी जवानी चौकी। क्या खूबसूरत शक्ल है उसकी। रवि, तेरा फोन है। आपने क्यों तकलीफ की बाबा? किसी लड़के का फोन है, कोई चक्कर चलाया है क्या? नहीं, कोई चक्कर वक्कर नहीं है। एक सेकंड आया, एक सेकंड। हेलो, यस टोनी स्पीकिंग। मेरा नाम सुनीता है, आपको याद है कल मैं आपका शो देखने आई थी और आप मुझे अच्छी तरह याद है, आपको देखे कौन भूल सकता है। बात यह है कि मैं आपसे मिलना चाहती हूँ। ओह श्योर, व्हाई नॉट, कब और कहाँ? सुपर रेस्टोरेंट, आज रात 8 बजे मैं आपका इंतजार करूंगी। 8 बजे? हम जरूर आएगा, डेफिनेटली हम आएगा, जरूर आएगा। बाय बाय स्वीट हार्ट, बाय। हाँ तो मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि मैं सुनीता से शादी करना चाहता हूँ, लेकिन उसका फैसला सुनीता करेगी या उसकी आंटी। आ गई। नमस्ते आंटी। जीते रहो। अरे आंटी, आज आप मंदिर से जल्दी आ गई, कहीं जा रही हो क्या? मैं मंदिर के साथ जरा घूमने जा रही हूँ, आधे घंटे में आ जाऊंगी। 9 बजे से पहले? जी। मोंटी, चलो चलो। बाय आंटी, बाय माजी, बाय माजी।
होगा वो तो भगवान। मैं उसकी आंख नाक और दांत सब फोड़ कर दूंगा। जिंदगी क्या हुआ? कोको कोला कंपनी बंद, अब हम क्या पियेंगे? क्या पियेंगे बताओ। मोंटी जाते हो या लगाऊं भूसा? अजी बिल्कुल भूसा भरा हुआ है सबके बुद्धि में। मिल गए पैसे, मिल गए पैसे, मिल गए, मिल गए, मिल गए। नमस्ते श्रीमान जी, गुड बाय देवी जी। पागल किंग का मोंटी सुनो ना मेरी बात। हाँ तुम यहाँ ठहरो, जरा देख लो कौन सा कैबिन बुक है। सॉरी। हम भी सॉरी मैडम। हाँ बेटे, वो आता ही होगा, तुम तैयार हो ना? मैं हमेशा तैयार रहता हूँ। मोंटी वो आ गया। ओ I'm sorry, thank you। मैं जाऊँ? जाओ। Hello, Miss Sunita. Hi. Miss Sunita, आपके माता पिता का नाम? मेरे माता पिता कोई नहीं है। तो आप कौन से में से पैदा हुआ? जी अंडा बाइटा एग। कितना मारा मारी इकट्ठा है लफंगा, क्या तुम जान सा ऐसे? जी नहीं जी, अब मैं चलती हूँ, आपको फोन करूंगी। यहाँ के एक बैरी ने मुझे बताया कि जब भी इब्राहिम शिद्दी का जहाज बंबई माल लाता है उसका आदमी बलराम सिंह के बेटे विक्रम से यहाँ मिलने आता है। विक्रम कहाँ है? ऊपर वाले कैबिन में। देखो विक्रम, अब तुम दोनों खुद ही फैसला कर लो। जी फैसला तो आप दोनों के हाथ में ही है।
कैसे फैसला डैडी? देखो बेटे, राजमहल होटल के मालिक बलराम सिंह जी के ये बेटे हैं और बलराम सिंह जी चाहते हैं कि तुम विक्रम से शादी के लिए राजी हो जाओ। कम इन साहब, आपका फोन है। एक्सक्यूज मी, तो आप इसलिए मुझे यहां लाए थे? हाँ बेटे। माला, 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 हेलो, इब्राहिम सिद्दी 30 सोने के बिस्किट परखने के लिए भेजा है। कहाँ? जूहू रोड नाका, 12 बजे, काली फियट। कोड? जो भी जाकर बोलेगा डम डम डिगा डिगा, मौसम भीगा भीगा, वो सोने के बिस्किट वाला देके उसको दे दिया जाएगा। ओके, मैं भी आया। बलराम सिंह सेठ को बोल देना हम वहीं जा रहे हैं।